यहाँ से ऊपर चढ़ोगे ना आप ऊपर हाइट में, यहाँ से ऊपर करीबन 25 किलोमीटर ऊपर उधर, हाँ हाँ हाइट में, जहाँ से तुम हाइट से डाउन को जाओगे ना, तो वहाँ से यू करती है दरियाल पे से इधर को आती रोड, वही है आप देख लोगे गर्सन से दिख जाएगा आपको। अच्छा। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये एक सीरीज होने वाली है पूरी, बिकॉज मैं जा रहा हूँ केदारनाथ और एक दो जगह और जाऊँगा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30, मैंने नहा धो लिया है। आपको पता ही होगा कि मैं सुबह 4:30 बजे अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेता हूँ। तो एक्सरसाइज कर कंप्लीट करके मैंने नहा धो लिया है, अभी बाल नहीं बनाए हैं। तो और ये रहा मेरा बैग, कुछ ज़्यादा ही फुल हो गया है और अभी ऐसे ही कपड़े बिखरे हुए हैं। एनीवेज, और हम जाएंगे अपनी अपाची में, बिकॉज़ बुलेट का भरोसा नहीं है, ट्यूबलेस टायर नहीं है उसमें। तो चलो मिलते हैं, सी यू। आराम से जाना, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं, गाड़ी अभी पहुंची नहीं है। लगाओ 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 लगाओ, बाय एलेक्स। चलें दोस्तों लेके भोलेनाथ का नाम, जय भोलेनाथ। चलो केदारनाथ की ओर। सौ का डाल दो, 700 700 400 700 700। तो गाइस ये आगे बोर्ड दिख रहा है आपको, आगे पुल मोड़ा है, बट हमने जाना है रानीखेत की ओर, इस साइड को ये पुल। यहाँ से हम सीधे रानीखेत जाएंगे और रानीखेत में ही दिखाता हूँ, अगर बीच में अच्छा व्यू होगा तो वो दिखाऊंगा। शायद अभी आगे नदी के किनारे पे रोड है, एटलीस्ट 30 किलोमीटर से है, और यहाँ पे देख लो 30 किलोमीटर्स रानीखेत है यहाँ से। तो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन रानीखेत ही होगी। भाई कई जाम लगाया यार यहाँ, तो कैसे होगा, मैं तो अटक गया हूँ। खुल गया भाई, खुल गया जाम, खुल गया, भागो अब जल्दी यहाँ से, 10 मिनट का जाम यार बहुत ज़्यादा हो गया। ये देखो पहाड़ों के नज़ारे भाई, ऐसा सीन रहता है पहाड़ों में। अभी मैं पहुंचने वाला हूं रानीखेत और टाइम हो रहा है 9:58। मैं निकला था अराउंड 6 बजे में निकला था, और अभी 5 घंटे के अराउंड होने वाले हैं, नहीं 4 घंटे होने वाले हैं, मैं रानीखेत पहुंचने वाला हूं। ओके, तो एरिया है, तो वैसे भी मैं खा रहा हूं। राइस खाते हैं यार, कैसा हो रहा है, सही है। सेब खा लेते हैं, सेब धो लेते हैं पहले। अच्छा ओके, ये कैप्चर कर रहा होगा इस एंगल से ना सब। ओके चल ही रहा होगा। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि अभी हम आपका कुमाऊं और गढ़वाल, जैसा कि सामने का बोर्ड देख रहे हैं, ये बोट से नीचे को पूरा कुमाऊं रीजन, एंड ये बोट के इधर की तरफ को आप पूरा देख रहे हैं, जैसा कि
ये पूरा गढ़वाल रीजन है गाइज। ये मेरी लोकेशन है सेकंड वर्कआउट के लिए। कॉफी आ गई भाई, 6-7 बजे 7 बजे तक 1.5 घंटे में यहाँ से खाने पे आ गए। 3 घंटा टोटल यहाँ से 1.5 घंटे में खाने पे आ गए। 1.5 घंटा सोन पे जाके2 घंटा। तो गाइस हम पहुंच गए हैं कर्ण प्रयाग। ये कर्ण प्रयाग अभी बज रहे हैं 7:10। सुबह निकले थे हम 6 बजे ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा ही 12-13 घंटे हो गए हैं। उसमें से 2-3 घंटे रेस्ट होगा बीच में रुकने का। हाथों में दर्द हो गई है, ठंडा तो उतना नहीं है फिलहाल। ये रहा स्टेशन। तो गाइज़ हम रुक गए हैं यहाँ पे कर्ण प्रयाग में। ये मेरा रूम है यहाँ पे। यहाँ से पीछे का व्यू बहुत तगड़ा है। अगर मैं पीछे का व्यू दिखाऊँ, अगर दिख पा रहा है तो चल रहा है। अब थोड़ा वीडियो एडिट करता हूँ, फिर मिलता हूँ। बाय बाय।